दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पोस्ट की मतलब आपने ब्लॉगर पे कोई पोस्ट लिखा है तो आप बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई कॉपीराइट है या फिर नहीं है। दोस्तों अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं तो आप जब भी ब्लॉग के लिए अप्लाई करते हैं, एडसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा आता है कि एडसेंस बोल देता है कुछ प्रॉब्लम फिक्स हैं जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिल सकता, दोबारा आप फिर से ट्राई करिए, जिससे हम लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे ब्लॉग में प्रॉब्लम क्या है और क्यों नहीं मिल रहा है अप्रूवल। तो दोस्तों उसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि शायद हमारे ब्लॉग पे कोई कॉपीराइट इशू होगा। दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपके ब्लॉग पे कुछ कॉपीराइट इशू है भी या नहीं है, जिससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आपके ब्लॉग पे कोई कॉपीराइट इशू है या नहीं है और आप पूरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट पे जो आपने पोस्ट लिखा है वो कॉपीराइट है या फिर कॉपीराइट फ्री है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग पे जाना है और ब्लॉग पे आपको अपने पोस्ट को ओपन कर लेना है। मैं भी यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों जो भी पोस्ट आपने लिखा हुआ है उस पोस्ट को पूरे को आपने कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट ऑल करके जो भी पोस्ट आपने लिखा है उसको सिलेक्ट ऑल करके और कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, वो बहुत ही काम की वेबसाइट है हर ब्लॉगर के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्मॉल सीओ टूल्स। दोस्तों ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत कुछ। अभी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आप यहाँ पर क्या क्या चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारी मेरे पास ऐसी वेबसाइट आ रही हैं स्मॉल सीओ के नाम से, तो मैं सब में देख लेता हूँ कौन सी वो अच्छी वेबसाइट है, लेकिन आपको स्मॉल सीओ ही लिखना है, स्मॉल सीओ टूल्स। ये मैं डेस्कटॉप साइट पर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों आ गए हमारे पास बहुत सारे। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है प्लैगियरिज्म चेकर, इसका मतलब ये होता है कि आपको बताएगा कि आपकी ब्लॉग में कितना परसेंट आपका यूनिक कंटेंट है और कितना आपको कॉपी किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप ग्रामर भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपकी जो पोस्ट है उसका ग्रामर अच्छा है या नहीं है, और फिर ऑनलाइन MD जनरेटर ये भी आप चेक कर सकते हैं, और फिर वर्ड काउंटर मतलब आपने कितने वर्ड लिखे हैं वो यहाँ पर आपको एक सेकंड में काउंट हो जाएगा, आपको गिनना नहीं पड़ेगा, और फिर आर्टिकल डेंसिटी चेकर, और फिर कोमा सेपरेटिंग टूल्स, आर्टिकल रिवाइटर प्रो। दोस्तों ऐसे आपको बहुत सारे मतलब कि आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपने पोस्ट के बारे में चेक कर सकते हैं। तो खैर मुझे अभी चेक करना है कि मेरे उसमें कोई कॉपी चीज़ है या फिर नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्लेगरिज्म चेकर पे, और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है वो पोस्ट जो आपने कॉपी किया था। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा पूरा पेस्ट मैंने कर दिया अपना पोस्ट को, और उसके बाद दोस्तों सिंपल मुझको यहाँ पे चेक फॉर प्लेगरिज्म पर क्लिक करना है। अब ये कुछ कैप्चा बोल रहा है फिल करने को, स्टोर फ्रंट, तो दोस्तों मैं ये कैप्चा भर देता हूँ। अब ये चेक कर रहा है देखिए दोस्तों, और ये आपको बता देगा कि कितना परसेंट आपका कंटेंट यूनिक है और कितना कॉपी कर रखा है आपने। देखिए चल रही है प्रोसेस, 50% यूनिक कंटेंट अभी तक आ गया है और ये अभी चले ही जा रहा है 20%। अगर मैंने कहीं पर भी कॉपी किया होगा तो यहाँ पर जो गुड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर कुछ और लिखा आएगा, ऑलरेडी एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा, मतलब आपने पहले से ही ये कंटेंट डाला हुआ है और आपने कॉपी किया हुआ है, बट अभी तक सिर्फ गुड गुड लिखा हुआ है, मतलब जो भी मैंने लिखा है वो सारा अच्छा है और यूनिक है। 40% हो चुका है, 45। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आपका मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट रियल में अच्छी है या फिर नहीं है, आपका जो कंटेंट है वो किसी से मैच तो नहीं खाता है। ये दोस्तों एक एक लाइन बता रहा है कि आपकी हर एक लाइन अच्छी है और कुछ भी यूनिक नहीं है ऐसा बता रहा है। अगर मेरी कोई लाइन किसी से मैच खाती होगी या मैंने कहीं से कॉपी किया होगा तो वो ये बता देगा। देखिए 70% हो गया है, मतलब 70% अभी हुआ है और टोटल मेरा यूनिक है, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया इसलिए बता रहा है 75%। देखिए यहाँ पर सब हर जगह पर गुड लिखा हुआ है, एक भी जगह पर ऑलरेडी एग्जिट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं कॉपी करता तो यहाँ पर गुड की जगह ऑलरेडी एग्जिट लिखा हुआ आता, मतलब कि ये पहले से ही डल चुका है गूगल पर और हमने किसी का कॉपी कर लिया है। 90% हो गया और थोड़ी देर में ये 100% हो जाएगा, 95%। देखिए दोस्तों 100% हो गया, मतलब 100% आपका यूनिक कंटेंट है।
ये बता रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आप कैसे किसी की भी पूरी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। आप ऐसे एक एक पोस्ट करके चेक करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सारी पोस्ट को चेक करने पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पूरी वेबसाइट के कंटेंट को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ होगा डोमेन कीवर्ड और URL। तो यहाँ मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ www.happypasswan.com। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ मेरे को सर्च पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों जब मैंने सर्च पे क्लिक किया ये थोड़ा डिफरेंट है, अभी मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, देखिए दोस्तों ये रहा इंटर यूर URL। यहाँ मैं अपनी वेबसाइट का नाम डालता हूँ www.happypasswan.com। ये मैंने डाल दिया अपनी वेबसाइट का नाम। अब सिंपली मैं सर्च पर क्लिक करूँगा चेक प्लेग्रिम से। इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये मेरी पूरी वेबसाइट की डिटेल मेरे को बता देगा। कैप्चा भरने को बोल रहा है स्टोर फ्रंट, मैं ये कैप्चा भर दे रहा हूँ। अब दोस्तों ये पूरी वेबसाइट मेरे सामने चेक करके बताएगा कि मेरे यहाँ पे पूरी वेबसाइट में कोई पोस्ट अगर कॉपी होगा तो वो तुरंत ही बता देगा। देखिए दोस्तों मेरी एक पोस्ट कॉपी बता रहा है, ये ऑलरेडी एक्सेप्ट है, मतलब ये बता रहा है कि आपने ये एक चीज़ कॉपी कर रखी है। अगर मैंने कॉपी नहीं भी की होगी, किसी गूगल की किसी चीज़ से मैच खाता होगा तो ये तुरंत बता देगा कि ये चीज़ यहाँ से मैच खा रही है, इसलिए ये कॉपी बता रहा है, मतलब मुझे इसको बदलने की ज़रूरत है। 11% यूनिक कंटेंट बता रहा है। देखिए दोस्तों ये चल रही है प्रोसेस, और पूरी वेबसाइट को यहाँ से आप एक ही बार में चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। और फिर मैं आपको अगर ग्रामर चेक करके भी दिखाना हो तो अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप भी इस तरह से चेक कर लेना। अगर मैं 100% तक का वेट करूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए एक और बता रहा है, देखिए और भी बता रहा है कि ये अभी भी कॉपीराइट है इसमें। मैं दोस्तों बैक करके आपको दिखाता हूँ, आपको वर्ड चेक करके वर्ड काउंटर करके बताता हूँ कि कैसे वर्ड भी काउंट कर सकता है बहुत ही आसानी से। आपको वर्ड काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको पता करना है कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पेस्ट किया अपनी पोस्ट को, पेस्ट कर दिया। देखिए दोस्तों ये आपको बता देगा कितने वर्ड हैं काउंट वर्ड्स पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया टोटल वर्ड्स जो हैं 513 हैं और टोटल कैरेक्टर जो हैं 2641 हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है और इसका यूज़ हर ब्लॉगर को करना चाहिए और करते भी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान चुके होंगे। और दोस्तों इस तरह से आप भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कैसे वो लोग भी अपने ब्लॉगर के डाउट को क्लियर कर सकते हैं।